नमस्ते बच्चों, आज की डेट लगाओ। लेक्चर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लास्ट में तुमने पढ़ा था और उसमें तुमने समझा था कि न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब इससे आगे की बात करते हैं। हमें चार्जेस के इक्विलिब्रियम को समझना है। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम वर्ड से तुम लोग फैमिलियर हो, 11 में तुमने पढ़ा था। किसी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है अगर उस पर काम करने वाला नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो हो। अगर सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो होता है तो हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और सिग्मा टॉर्क जीरो होता है तो बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो चार्ज के रेफरेंस में अगर बात करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, इफ सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो फॉर ए चार्ज देन इट इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। फिर तुम्हें आइडिया होना चाहिए कितनी तरह का होता है इक्विलिब्रियम टाइप्स। मैकेनिकली देखा जाए तो इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल। उसकी पहचान एग्जांपल से समझ सकते हैं हम, कब किसी इक्विलिब्रियम को स्टेबल कहा जाएगा। जस्ट इमेजिन करो कोई कढ़ाई है, कढ़ाई नुमा कोई बर्तन, और उसमें किसी कंचे को छोड़ा हमने, तो कंचा आकर रेस्ट करेगा सेंटर पर। इसको बोलेंगे मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम स्टेट। अब अगर मैं इस कंचे को यहाँ से डिस्टर्ब करता हूँ, इस तरफ या उस तरफ, दोनों ही सिचुएशन में लौट के वापस वहीं रीस्टोर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सिचुएशन होती है किसी चार्ज को हम उसके इक्विलिब्रियम स्टेट से डिस्टर्ब करें और लौट के वापस वहीं आ जाए तो हम इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो सपोज यहाँ पर ये चार्ज क्यू पड़ा है, दूसरा चार्ज क्यू पड़ा है, लाइन ए बी इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, और जो सेंटर है वहाँ पर तीसरा चार्ज रखा है स्मॉल क्यू। अगर इस स्मॉल क्यू को मैं डिस्प्लेस करता हूँ अलॉन्ग द एक्सिस टूवर्ड्स ए या टूवर्ड्स बी, तो सिचुएशन ये है कि जिसकी तरफ भी मैं खिसकाऊंगा वो उसको रिपेल करके वापस धकेल देगा मीन पोजिशन सी पर इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो हम बोलेंगे कि अलॉन्ग द एक्सिस इसका इक्विलिब्रियम है स्टेबल। दूसरे टाइप का होता है अनस्टेबल। सब कुछ नोट करना है, इंतजार नहीं करना है। अनस्टेबल को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से मैकेनिक्स में। अगर इसी कढ़ाई को मैंने उल्टा कर दिया, जब ये सीधी थी तो इसको पोटेंशियल वेल भी कहते हैं कि जब तक उस कंचे के पास मार्बल के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी इसको क्रॉस नहीं कर सकता, पोटेंशियल वेल में वो फंसा हुआ है। अभी मार्बल को बैलेंस किया हमने टॉप पर कढ़ाई को उल्टा करके, नेट फोर्स जीरो है, ये इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है क्योंकि नेट फोर्स जीरो है सिग्मा एफ जीरो। पर अगर मैं इसे डिस्टर्ब करता हूँ यहाँ से किसी भी साइड, तो ये हमेशा के लिए अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट छोड़ के यहाँ से चले जाए, वापस लौट के आने के कोई चांसेस नहीं। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल। अगर सिमेट्री यहाँ पर मैच कराएं तो चार्ज क्यू को अलोंग दी नॉन एक्सिस अगर मैं डिस्टर्ब करता हूँ अलोंग दी नॉन एक्सिस, या उसको बोलेंगे हम इक्वेटोरियल लाइन, मान लो यहाँ तक ले आए, तो ये क्यू रिपेल करेगा अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, ये क्यू रिपेल करेगा अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएंगे, वर्टिकल जुड़ जाएंगे, और जो चार्ज क्यू है वो पहुँच जाएगा कहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी पर। ऊपर डिस्टर्ब किया तो प्लस इन्फिनिटी, वापस लौटने के कोई चांसेस नहीं है, हमेशा के लिए वहाँ से वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे
अनस्टेबल। इसमें एक और सिचुएशन बनती है, अगर ये स्मॉल क्यू पॉजिटिव होने के बजाय माइनस होता, नेगेटिव होता, तो अलोंग द एक्सिस डिस्टर्ब करने पर हमेशा के लिए डिस्प्लेस हो जाता, तो अलोंग द एक्सिस तो अनस्टेबल हो जाता और इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग स्टेबल हो जाता। फिलहाल इधर स्टेबल है और इधर है अनस्टेबल। तो तुमसे पूछा जाता है ये बताओ कि चार्ज क्यू का इक्विलिब्रियम है कैसा, कि अगर दो कैपिटल क्यू के बीच में स्मॉल क्यू रखा है तो स्मॉल क्यू का इक्विलिब्रियम का नेचर बताओ, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तो हम बोलेंगे अनस्टेबल। एक डायरेक्शन में स्टेबल, दूसरी डायरेक्शन में अनस्टेबल, तो ओवरऑल कैसा हुआ? अनस्टेबल। कैसे? बाजार से तुमने एक आम खरीदा, अच्छी खुशबू आ रही है, पीला रंग भी ठीक ठीक है, ध्यान से देखा तो साइड में एक छेद नजर आया जिसमें कीड़ा लगा हुआ था, तो अब क्या बोला जाएगा? कैसा आम लाए तुम? खराब। यानी कंडीशन में थोड़ा सा भी वॉयलेशन हो रहा है कहीं पर भी, एक डायरेक्शन में स्टेबल है पर दूसरी डायरेक्शन में अनस्टेबल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनस्टेबल। तीसरी तरह का इक्विलिब्रियम और होता है, उसे बोलते हैं न्यूट्रल। इसमें ऐसा होता है कि मान लो ये परफेक्टली फ्लैट सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और किसी कंचे को हमने यहाँ बैलेंस किया, अभी ये इसकी लोकेशन है, यहाँ से इसको डिस्टर्ब करके अगर हम किसी नई लोकेशन पर पहुँचा देते हैं तो क्या लौट कर वापस आएगा? अगर लौट कर वापस आ जाता तो स्टेबल होता, यहाँ से कहीं और चले जाएगा? नहीं जाएगा। अगर चले जाता तो अनस्टेबल होता। तो जैसे रखें अगर वैसे ही रहता है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो अभी यहाँ पर ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये चांस चार्ज में इस तरह से आसानी से देखने को नहीं मिलता, कुछ एग्जांपल से समझेंगे। उससे पहले ये समझो कि एक साइंटिस्ट जिसका नाम था अर्न शॉ, ERNSHAW, अर्न शॉ ने एक थ्योरम दी, हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। अर्न शॉ ने बताया कि अगर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं किसी चार्ज पर वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर के हैं तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो कभी भी स्टेबल हो ही नहीं सकता। उसने सीधे सीधे स्टेटमेंट दे दिया कि काम करने वाले फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है नेचर में तो इक्विलिब्रियम कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। तो स्टेबल नहीं हो सकता मतलब अनस्टेबल हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। इसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो ये कोई टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने एक चार्ज्ड बॉल को रखा बॉटम पे जिसपे कुछ चार्ज है सपोज क्यू। इसमें एक और लाइट वेट चार्ज बॉल को छोड़ा, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, वो यहां आकर रुक गई। बिकॉज आसानी के लिए हम मान लेते हैं ये भी चार्ज क्यू है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर, तो रिपल्शन के कारण वो यहां पर रुक गए। तो अभी ये इक्विलिब्रियम स्टेट में जो इसका वेट काम कर रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसी के बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन काम कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। इसकी सिचुएशन ठीक वैसी है जैसे पानी पे तैरता हुआ लकड़ी का गुट्टा, उसको तुम दबाओगे तो बायन फोर्स बढ़ जाएगा, वापस उछलेगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। इसको भी अगर हम डिस्प्लेस करेंगे, इसकी ये मीन पोजीशन है, तो ये भी ऑसिलेट करेगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कैसा है इन तीनों कैटेगरी में? स्टेबल, क्योंकि डिस्टर्ब करने पर ऊपर या नीचे डिस्टर्ब करोगे वापस यही मीन पोजीशन पे आ जाएंगे। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो क्या अर्न शॉ की थ्योरम फेल हो गई? जवाब है नहीं। वहां पर कंडीशन क्या थी? सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए, यहां तो क्या है? ग्रेविटेशन। तो एप्लीकेबल ही नहीं होती है क्योंकि यहां ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। दूसरे एग्जांपल देखो, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इनर सरफेस ऑफ सेमी सर्कुलर वेसल, ये कोई बर्तन है सेमी सर्कुलर है, इसकी इनर सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
इसके एक्सिस के अलोंग किसी चार्ज क्यू को रखा जाता है और वो अभी इक्विलिब्रियम में है, यानी एम जी गेट बैलेंस बाय एफ ई, जो कि ये वैसे लगा रहा है। यहाँ सिचुएशन ये थी कि तुम डिस्टेंस कितनी भी कम कर दो, कितने भी ज़्यादा कर दो अलोंग दी वर्टिकल, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम ही रहेगा, ये वापस लौट के यहीं आएगा। पर जब सिचुएशन ऐसी होती है तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरी कर रहा है अलग तरह से, लीनियरली वेरी नहीं कर रहा। यहाँ चार्ज होगा तो फोर्स कुछ और होगा जो कि डिस्टेंस के साथ लीनियरली वेरी नहीं करेगा। यहाँ तो कर रहा था, लीनियरली तो नहीं कर रहा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, पर वो रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं है। ऊपर होगा तो फोर्स कुछ और होगा। तो ऐसे सिचुएशन में होता ही है कि किसी सर्टेन रेंज में तो चार्ज क्यू का इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है, उससे ज़्यादा तुमने नीचे डिस्प्लेस कर दिया तो अनस्टेबल हो जाता है, उससे ज़्यादा ऊपर डिस्प्लेस कर दिया तो भी अनस्टेबल हो जाता है, ऐसा होता है इस केस में। तीसरे एग्जांपल देखो, ये कोई रिंग है, अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होगी मेटल की और मैं चाहता हूँ कि चार्ज अंदर की तरफ हो तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो मुझे नॉन कंडक्टिंग रिंग लेनी होगी। तो मान लो मेरे पास एक प्लास्टिक की स्ट्रिप थी, मैंने उसको रेशम के कपड़े से या ऊन से रगड़ा तो प्लास्टिक पे आ गया नेगेटिव, अब मैंने उसको बैंड करके बना दिया रिंग, तो चार्ज यहाँ पर है। सेंटर पर मैंने एक चार्ज रखा क्यों, अगर इस चार्ज के लिए बाउंडेशन है कि ये सिर्फ रिंग के प्लेन में ही मूव कर सकता है, तो तुम्हें बताना है नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल क्यू अलोंग द प्लेन ऑफ द रिंग। अगर मैं इसको इधर डिस्टर्ब करूंगा तो इधर से वापस धकेल दिया जाएगा, यानी कैसा होगा इक्विलिब्रियम, स्टेबल। पर अगर ये बाउंडेशन नहीं है कि रिंग के प्लेन में मूव कर सकता हूं, अलोंग द एक्सिस चला दिया तो अनस्टेबल, इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो ओवरऑल कैसा हुआ, अनस्टेबल। काम करने वाले फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी अर्नशॉ थ्योरम वैलिड है। एक और कंडीशन इमेजिन करो, ये थी 2D सिचुएशन, टू डायमेंशनल, क्योंकि ये रिंग थी और किसकी थी, इंसुलेटर। अगला एग्जांपल 3D सिचुएशन, ये एक बॉल है, नेचुरल नॉन कंडक्टर होगा तभी बात बनेगी। तो मैं लिखता हूँ जेम्स की बॉल है, तो क्या क्या लिखूँ, JAMES जेम्स की बॉल या GEMS जेम्स की बॉल, जिसमें पांडा निकलता है वो वाली बॉल है जो खुल जाती है, वो पांडा निकलता है इसलिए बच्चे खरीद लाते हैं इसको। तो ये जेम्स की बॉल है प्लास्टिक वाली, इसको ऊपर से खोला और अंदर से यूनिफॉर्मली हमने इसको ऊन से घिसा तो अंदर चार्ज आ गया यूनिफॉर्म, 3D ऑब्जेक्ट। सेंटर पर एक थर्माकोल की जो बॉल आती है उसको चार्ज करके छोड़ दिया, मान लो वो इतनी हल्की है कि वो थर्माकोल की चार्ज बॉल यहीं पर रुक रही है, या तो ये बॉल ट्रांसपेरेंट थी हम देख पा रहे थे, हमने ऐसी कोई व्यवस्था की कि हम देख पा रहे हैं। तो अब इसका इक्विलिब्रियम कैसा होगा, न्यूट्रल का मतलब ये है कि अगर मैंने इसको यहां से डिस्टर्ब करके यहां रखा तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, ऐसा होगा क्या, होना तो यही चाहिए वैसे तो, कि यहां रखूं तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। कैसे, इस चार्ज के तो पास में है तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, उस चार्ज से दूर है तो वो कम फोर्स लगाएगा। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जब यहां तुम न्यूट्रल बोल रहे हो अगर, तो यहां पर भी न्यूट्रल बोलना चाहिए था, यहां न्यूट्रल क्यों नहीं होगा कि जहां भी रख दूंगा डिस्प्लेस करके वहीं रह जाएगी, वापस नहीं आएगी। सोचो थोड़ा सा भाई, यहां पर तुम बोल रहे हो स्टेबल है, यहां बोल रहे हो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब यहां रख दिया तो यहीं रहेगी, वापस यहां नहीं आएगी।
हाँ स्फेयर है तो वहां पर तो रिंग के प्लेन में तो घुमा रहे थे हम, जो स्फेयर में सिचुएशन है वही रिंग के प्लेन में सिचुएशन है, वो 2D की है, 3D की सिचुएशन है। इसमें इसमें हर जगह नेट फोर्स जीरो होता है कि नहीं होता, कहीं पे भी रख दो होता है कि नहीं होता? अगर ये कंडक्टिंग होता तब होता कि नहीं होता, क्योंकि ये चार्ज होता बाहर। तो इस पे थोड़ा सा सोचना, अभी मान लेते हैं कि मान लो नहीं होता, नहीं होता तो क्या होगा, कहीं पर भी तुम डिस्प्लेस करो वापस कहाँ आ जाएगा? सेंटर पे। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है, जिस तरफ भी तुम ले जाओगे उधर से ज्यादा फोर्स लगेगा। उससे रिपेल होगा, रिपेल होके कहाँ आ जाएगा? सेंटर पर। तुम ऐसे समझ लो, अगर ये इसकी लोकेशन है, मैं इसके अलोंग डिस्प्लेस कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ लाया चार्ज को, बाकी सबको छोड़ दो, 1D में चले जाते हैं, 3D से 1D में, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा ज़्यादा फोर्स से, जबकि ये रिपेल करेगा कम फोर्स से, तो इसकी सिचुएशन क्या होगी? ये वापस रीस्टोर होगा, रीस्टोर होगा तो इक्विलिब्रियम कैसा हुआ? स्टेबल। अब इसको 3D में कन्वर्ट करो, किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, तुम बॉल हो तो रेडियली कहीं पर भी ले जाओ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, वापस रीस्टोर हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम कैसा हो गया? स्टेबल। तो क्या अर्नशॉ थ्योरम फेल हो गई? सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पे। लटकाए थोड़ी था, छोड़ दिया था, थर्माकोल नेग्लिजिबल मास, एम जी का इफेक्ट नेग्लिजिबल, जो भी उसको नचा रहा है कौन नचा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसके लिए लॉजिक ऐसे देते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, ऐसे समझो लॉजिक ऐसे देते हैं। तुमने 11th क्लास में पढ़ा था सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, एक नाव है पानी में तैर रही है, उसमें एक कुत्ता बैठा है, कुत्ता जो है नाव के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक अगर मूव करता है तो नाव भी मूव करती है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वो चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसे सिचुएशन में तुम इससे सिमुलेट करो उसको, ये नाव है, ये कुत्ता है, अब अगर ये मूव करता है तो बॉल भी मूव करेगी, एम जी का इफेक्ट तो हम नेग्लेक्ट मान रहे हैं, नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो अगर ये मूव करेगा तो ये बॉल भी मूव करेगी, बॉल भी मूव करेगी तो चार्ज की पोजीशन जो पहले थी अब वो थोड़ी रहेगी भाई। जब नाव में कुत्ता चलता है तो कुत्ते की पुरानी पोजीशन और नई पोजीशन तो डिफरेंट होती है, अनचेंज किसकी पोजीशन रहती है? अनचेंज पोजीशन रहती है सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास वहीं रहता है, कुत्ता अपनी जगह छोड़ चुका होता है, नाव भी अपनी जगह छोड़ चुकी होती है। तो फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलने के लिए जरूरी क्या है? कि चार्ज वहीं रहे, चार्ज की पोजीशन डिस्प्लेस ना हो, चार्ज को डिस्प्लेस करे तो चार्ज वापस वहीं आ जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि बॉल अपनी जगह से नहीं खिसके, बॉल नहीं खिसके कि तभी वो फोर्स लगा पाएगी। तो फोर्स लगाने के लिए रिएक्शन कहाँ से लेगी? हमें बॉल को स्टेशनरी रखने के लिए बाहर से कुछ क्लैंपिंग फोर्स, उसको क्लैंप करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, तो बाहर से हम वो जो फोर्स लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का नहीं है। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का नहीं है तो अर्नशॉ थ्योरम यहाँ पे वैलिड नहीं। क्लियर? तो ये हमने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे कुछ केसेस पढ़े। अब इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पर दो पेटेंट क्वेश्चन बोल दो, सेट या पैट क्वेश्चन है, तो वो दो क्वेश्चंस कौन से, वो हमें आने ही आने चाहिए, मिनिमम रिक्वायर्ड। तुम लोग फैमिलियर भी होंगे उससे, फिर भी मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, उसका इतिहास ये है, आईआईटी जेई 1982 में आया था सबसे पहले, तुम्हारे पैदा होने से पहले 82 में जब ये क्वेश्चन आया था तभी आईआईटी जेई के लेवल का माना जाता था, उसके बाद ये सभी बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो गया, दूसरे कंपटीशन में कई बार रिपीट हो गया। तो क्वेश्चन क्या है वो देखो, लेवल देखो, क्वेश्चन लिखोगे, टू चार्जेस कैपिटल क्यू ईच
two charges capital Q each are placed at distance small r, are placed at distance small r, full stop, where we should put a third charge, where we should put a third charge on the line, third charge ke paas bracket mein likh do small q, third charge small q on the line joining the above two charges, on the line joining the above two charges comma, so that the whole system, so that whole system mat likhna, modify kar raha hu, so that it remain in equilibrium, where we should put a third charge small q on the line joining the above charges so that it remain in equilibrium. इतना लिखने के बाद इसमें और जोड़ोगे एक सेंटेंस, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ स्मॉल क्यू, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ स्मॉल क्यू सो दैट द होल सिस्टम डब्ल्यू एच वाली होल, सो दैट द होल सिस्टम remain in equilibrium, whole system remain in equilibrium, full stop. Familiar हो ये क्वेश्चन, पहले सुना है ना, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आगे जो बनाते हैं इसी को मॉडिफाई करते हैं. इसकी इमेज देखो, ये पहला चार्ज कैपिटल क्यू, ये दूसरा चार्ज कैपिटल क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर, लाइन ए बी, माना कि तीसरे चार्ज स्मॉल क्यू को हमने रखा पॉइंट सी पर, जिसकी डिस्टेंस ए से एक्स है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस हो गई आर माइनस एक्स. वैसे हम इसको तो बता सकते हैं सिमेट्री है तो ये सेंटर पॉइंट होना चाहिए, तो नेट फोर्स इस पे जीरो हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर. पर इसमें जो मॉडिफिकेशन आगे होता है तो कैसे होता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है, एक क्यू है एक फोर क्यू है, तो ऐसे सिचुएशन में 4q से तो दूर होगा और q के पास होगा. अगर इन दोनों का नेचर सेम नहीं है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अब जो न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे इसको, जहां पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है, तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट बीच में मिल रहा था, बीच में मिलने के बजाय b के राइट में मिलेगा या a के लेफ्ट में मिलेगा, तो ये डिफरेंस आ जाएगा. तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं. हम लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल क्यू एट सी, ये जो फोर्स लग रहा है के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन रिमेनिंग डिस्टेंस आर माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहां से एक्स मिला हमें आर बाय टू. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर. सेकेंड पार्ट के लिए तुमसे पूछा है स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या हो, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यानी हर एक चार्ज पर इंडिविजुअली नेट फोर्स जीरो, हर एक चार्ज पर इंडिविजुअली नेट फोर्स जीरो, तो स्मॉल क्यू के लिए तो हम एश्योर हैं सेंट्रल लोकेशन, इस पे तो हमेशा नेट फोर्स जीरो, चाहे इसका मैग्नीट्यूड और नेचर कुछ भी हो. पर इस पर जीरो करने के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे, और अगर इस पर हमने जीरो कर लिया, उसमें हमें सफलता मिली, तो सिमेट्री के कारण इस पर अपने आप जीरो हो जाएगा. तो मैं बात करता हूँ चार्ज क्यू जो ए पर पड़ा उसके इक्विलिब्रियम की. For equilibrium of capital Q at A, तो इस पर नेट फोर्स मुझे जीरो करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, के कैपिटल Q स्मॉल Q, डिस्टेंस पता चल चुकी है r बाई टू का स्क्वायर, ये तो C पर पड़ा चार्ज लगा रहा है, B पर पड़ा चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, के कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर, नेट फोर्स होना चाहिए जीरो, इक्वल टू जीरो. इसको तुम एक क्लासिकल प्रॉब्लम कह सकते हो, क्योंकि इसमें एक चीज और सामने आ रही है, एक फैक्ट और तुम्हें समझना है. यहां मैंने फोर्सेस को बैलेंस किया अलग तरह से, इक्वल करके,
और यहाँ बैलेंस कर रहा हूँ अलग तरह से, सम को जीरो कर रहा हूँ। इन दोनों मोड में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो तुम्हें समझना है। यहाँ पर मैंने साइन को फिजिकली कंसिडर किया कि उसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन को फिजिकली कंसिडर किया, अपोजिट डायरेक्शन लिया, और यहाँ मैंने डायरेक्शन को फिजिकली कंसिडर नहीं किया, मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। यहां पर मैं ऐसे कर सकता था और यहां पर ऐसे भी कर सकता था, यानी ये दो तरीके होते हैं कैलकुलेशन के, तुम फिजिकली डायरेक्शन को कंसिडर करो या मैथमेटिकली कैलकुलेट करो। तो यहां से जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो स्मॉल क्यू आता है माइनस क्यू बाय फोर, तो हमें पता चल गया नेचर शुड बी नेगेटिव एंड मैग्नीट्यूड शुड बी क्यू बाय फोर। तो उससे क्या होगा, अगर ये स्मॉल क्यू यहाँ पे होगा नेगेटिव, तो जितने फोर्स से कैपिटल क्यू को अपनी तरफ खींचेगा उतने फोर्स से बी पे पड़ा कैपिटल क्यू उसको धकेलेगा, तो इस पर नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। और इसके लिए भी वही स्थिति होगी, जितने फोर्स से कैपिटल क्यू को ये स्मॉल क्यू अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि नेगेटिव माइनस क्यू बाय फोर है, उतने फोर्स से ये वाला कैपिटल क्यू उसको धकेलेगा। तो ये क्वेश्चन लीस्ट रिक्वायर्ड है, ये कम से कम तुम्हें आना चाहिए इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू। Two bodies, each of mass capital M. Two bodies, each of mass capital M, and charge capital Q. Remain in equilibrium. Under mutual gravitational attraction, under mutual gravitational attraction and electrostatic repulsion comma when placed at distance small r, when placed at distance small r. Full stop. Find the nature of equilibrium. Find the nature of equilibrium. Full stop. Also find the order of magnitude of specific charge. Also find the order of magnitude of specific charge. तो ये हमें पता करना। क्वेश्चन को पढ़ोगे उसकी इमेज ये बनती है, टू बॉडीज ईच मास एम चार्ज क्यू, जब इन्हें डिस्टेंस आर पर रखा जाता है तो ये इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो है, इन पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो लग रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, एक दूसरे को रिपेल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो हम लिख सकते हैं नेट फोर्स जीरो, वो तभी होगा जब एफ ई एफ जी के बराबर होगा, यानी मैंने साइन को फिजिकली कंसिडर किया एफ ई इक्वल टू एफ जी, मैथमेटिकली करता तो एफ ई प्लस एफ जी इक्वल टू जीरो, उसमें एफ जी में ऑटोमेटिकली माइनस साइन आता अट्रैक्शन का फोर्स। एफ ई की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एफ जी की जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हमने देखा आर स्क्वायर तो कट गया, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर बाई टू कर दूं या टू आर कर दूं, जहां रखूंगा वहीं रहेंगे या लौट कर वापस आ जाएंगे, लौट कर वापस नहीं आएंगे, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। क्या वहां से कहीं और चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, मतलब अनस्टेबल भी नहीं है, तो कैसा इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल, जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, ठीक है। तो हम एक लाइन लिखेंगे, आर कट गया इसलिए, एज इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस,
as equilibrium is independent of distance. Comma. So it is neutral. Neutral को underline कर दोगे. So it is neutral. Distance पर depend नहीं कर रहा, neutral है. इससे आगे की बात जानने के लिए तुम्हें दो चीजें पता होनी चाहिए. स्पेसिफिक चार्ज कहते किसको हैं और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का क्या कंसेप्ट है, तब तुम आगे का सॉल्यूशन कर सकते हो. पूछा तुमसे स्पेसिफिक चार्ज, तो अगर फ्लैशबैक में जाएं तो कहीं तुमने नाम सुना होगा थॉमसन का. थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. थॉमसन ने बनाया था एक डिवाइस, थॉमसन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ, और उसकी मदद से उसने ई बाय एम डिटरमाइन किया था इलेक्ट्रॉन के लिए. ई बाय एम को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज. स्पेसिफिक वर्ड थर्मोडायनेमिक्स में तुम पढ़ते हो, जैसे स्पेसिफिक हीट. तो स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, जब तुम हीट को मास से डिवाइड करते हो. क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो एस होता है क्यू बाय एम, और स्पेसिफिक हीट होती है डेल्टा टी वन के लिए. तो वहां तो क्यू हीट है, हीट एनर्जी अपॉन मास इज स्पेसिफिक हीट. यहां पर क्या होगा, ये स्पेसिफिक वर्ड जिसके साथ भी जुड़ता है उसके नीचे आ जाता है मास. तो अगर हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक चार्ज, तो इसका मतलब चार्ज टू मास रेशियो. तो हमें यहां पे पता करना है क्यू बाय एम, तो पता कर सकते हैं. इसी को आगे बढ़ाएं, आल्सो क्यू अपॉन एम स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट लग जाएगा जी बाय के, वैल्यू रख दो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9. अब अगर तुम इसे पूरा कैलकुलेट करते तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेशन, अंडर रूट भी निकालना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा. पर क्वेश्चन में ही तुम्हारे लिए काम को आसान बना दिया गया. तुमसे बोला एक्सप्रेस इन पावर्स ऑफ नियरेस्ट पावर ऑफ 10, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा तुमसे. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है टू एक्सप्रेस इन नियरेस्ट पावर ऑफ 10. रफ कैलकुलेशन करके नियरेस्ट पावर ऑफ 10 में हमको एक्सप्रेस करना है. तो अगर कोई क्वांटिटी 10 की पावर हाफ से बड़ी होती है, यहां लिख देता हूं, अगर कोई क्वांटिटी 10 की पावर हाफ से बड़ी होती है तो हम उसकी जगह लिखते हैं 10 की पावर 1, और 10 की पावर हाफ से छोटी होती है तो लिखते हैं 10 की पावर 0. लॉगरिथमिक स्केल पर चलता है. तो 10 की पावर हाफ को क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ 10. अंडर रूट ऑफ 10 कितना होगा, तो 3.16 इज द डिसाइडिंग फैक्टर. 6.67 3.16 से बड़ा है तो इसको लिखूंगा 10 की पावर 1. 9 भी बड़ा है, इसको भी लिखूंगा 10 की पावर 1. 10 की पावर 1 कट गई, अब बची माइनस 11. 9 ऊपर गई तो माइनस 9, तो माइनस 20. अंडर रूट लिया तो 10 की पावर माइनस 10. अब ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट है, इसलिए सिंबल यहाँ चेंज हो जाएगा. सिंबल बनाएंगे ऐसा, ऑर्डर ऑफ का सिंबल होता है ये, एक लाइन सीधी दूसरी लाइन घूमी हुई, ऑर्डर ऑफ. यूनिट भी लिखेंगे कूलम पर केजी, चार्ज को नापा कूलम में, मास को नापा किलोग्राम में. किलोग्राम का के छोटा क्योंकि प्रीफिक्स है किलो, 10 की पावर 3. तो ये कंसेप्ट लगा है, ये आंसर हुआ. इस पे मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ, अगर तुम एस सी वर्मा का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हो तो वहां पे गलत दिया हुआ, वहां इसको बेस मान रखा 5 जो कि रॉन्ग है. यानी वो किससे कंपेयर करते हैं, 5 से. वो बोलते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी है 4.2 इंटू 10 की पावर 3 तो उसका ऑर्डर होगा 10 की पावर 3, क्योंकि 4.2 इज लेस देन 5. पर इस कंसेप्ट के हिसाब से 4.2 3.16 से बड़ा है. 3.16 से बड़ा है, 10 की पावर हाफ से बड़ा है. 10 की पावर हाफ से बड़ा है इसका मतलब उसको लिखेंगे 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा उसका ऑर्डर. तो सही कौन सा कंसेप्ट है, ये वाला. 5 वाला कंसेप्ट गलत है जो एस सी वर्मा में दिया है, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको तुम्हें बताया. तो ये हमने दो क्वेश्चंस किए इक्विलिब्रियम पर. एक क्वेश्चन ओरली बता रहा हूं तुम्हें, आना चाहिए चार्ज पे, इक्विलिब्रियम पर नहीं है. 11th में ग्रेविटेशन में था, डिवाइड ए मास इनटू टू पार्ट्स, एक मास के दो टुकड़े इस तरह से करो कि जब हम उन दोनों टुकड़ों को कुछ डिस्टेंस पर रखें तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशन अट्रैक्शन मैक्सिमम हो. मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन था, तो वो टुकड़े आते थे m/2 m/2,
हम क्या करते थे, फंक्शन बनाते थे एफ इक्वल टू जी एम एम माइनस एम अपॉन आर स्क्वायर, फिर उसको डिफरेंशिएट करके डी एफ बाई डी एम को जीरो रखते थे, फिर पता करते थे डी टू एफ बाई डी एम टू वो नेगेटिव आता था, उससे पता चलता था कि वो टुकड़े होंगे एम बाई टू एम बाई टू। इसमें हिट एंड ट्रायल भी लगता था, तुम चाहो तो अलग अलग टुकड़े करके देखो एम बाई टू एम बाई टू एम बाई थ्री टू एम बाई थ्री एम बाई फोर थ्री एम बाई फोर, फिर फोर्स कैलकुलेट करो फोर्स का मैक्सिमम आ रहा है। सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बनता है, डिवाइड ए चार्ज क्यू इंटू टू पार्ट्स, कोई चार्ज क्यू है उसके तुम दो टुकड़े करो, माना कि एक टुकड़ा क्यू है दूसरा टुकड़ा। अब ये टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जब इनको हम कुछ दूरी पर रखें तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मैक्सिमम हो। तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन फॉर्म करेंगे एफ इक्वल टू के क्यू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिर तुम पता करोगे वेरिएबल क्या है, ये क्यू चेंज होगा उससे ये चेंज होगा, कैपिटल क्यू तो फिक्स है, तो तुम पता करोगे डी एफ बाई डी क्यू, डी एफ बाई डी क्यू पता करके उसको रखोगे जीरो, वहां से तुमको मिलेगा क्यू इक्वल टू क्यू बाई टू। तो जब क्यू क्यू बाई टू है तो दूसरा टुकड़ा भी क्या हुआ क्यू बाई टू, तो क्यू बाई टू क्यू बाई टू। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम में डी टू एफ बाई डी क्यू टू निकालेंगे तो वो आएगा नेगेटिव, वो नेगेटिव आएगा मतलब मैक्सिमम। तो ये आर्टिकल यहाँ खत्म हो गया, चार्ज एंड फोर्सेस ओवर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट खत्म। अब टेस्ट है तुम्हारा, पहला टेस्ट, तो टेस्ट के लिए मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूँ अभी तुमको कैसे अटेम्प्ट करना है। लाल वाला बटन ऐसे करो,